रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाज़िब अहमद और आप देख रहे हैं हमें 92 न्यूज पर बराह रास्त सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज 14 ज़िलकद और 14 जून है, लेकिन साथ साथ वो लोग जो प्लानिंग्स कर रहे थे कि भाई छुट्टियां आएंगी और हम वेकेशन पे जाएंगे, तो मेरा ख्याल है 40% तक जो है वो टिकट्स के इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो अपने इरादे जो है थोड़े अरसे के लिए आप जरा डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये खबर जो मैंने कल पढ़ी तो मुझे बड़ा अफसोस। यानी कि ये जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही है, मेरे ख्याल में इसी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस में हर चीज में इजाफा तो हो ही रहा है, पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली भी जो प्राइसेस है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है माया, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कुछ करके चले जाए, कहीं हाँ कोई ना कोई बजट वगैरह कर लें, लेकिन सोच के जाइएगा। हमारा काम था आपको आगाह करना, जैसे कि सुबनामे का आगाज करते हैं, तो सबसे पहले सुबनामे में खबर है पंजाब असेंबली के हवाले से। पंजाब असेंबली में स्पीकर और अपोजिशन की हुकूमत को तो टफ टाइम दे दिया जनाब। बिल्कुल टफ टाइम ऐसे दिया गया कि बजट नहीं पेश किया जा सका और सेशन 6 घंटे ताखीर से शुरू होने के बाद भी मुलतवी हो गया। हंगामा राई वहां पर हुई, शोर शराबा हुआ, उसके बाद हमने देखा कि जो एक बार फिर जो इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया और बजट पेश नहीं हो सका। स्पीकर ने पहले सूबाई वजीर अतर तारड़ को ऐवान से निकालने की जो रूलिंग है वो दी, हुकूमत के अतर तारड़ को निकालने से इनकार पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो अतर तारड़ जो है खुद ही वॉकआउट कर गए और वो बोलते हुए भी गए, तो उसमें जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो है ना उसमें आवाज वगैरह उठी, लेकिन साथ साथ अगर देखें तो चीफ सेक्रेटरी और आईजी की पेशी से मशरूत कर दी साथ में, और दोबारा डेड लॉक होने पर इजलास आज दिन 1 बजे तक मुलतवी, यानी कि आज रात दोपहर में जो है 1 बजे होगा। और आगे बढ़े, पंजाब काबीना ने 3,226 अरब के बजट की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज भी दी गई है। साथ में आपको ये बताएं कि जो है ये बताया जा रहा है कि अवाम को सस्ते घी, चीनी और आटे की फरहमी के लिए 200 अरब, जबकि बिजली के 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 15 अरब सब्सिडी दी जाएगी। इसमें तरक्याती फंड में 124% इजाफा किया गया है, 685 अरब रुपए रखे जाएंगे। सेहत के लिए भी जो है वो 470 अरब रुपए रखे गए। बिल्कुल ऐसे लोकल गवर्नमेंट के लिए 528 अरब रखने की तजवीज दी गई है। सुबनामे में अगली खबर है जनाब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मरले से छोटी इमारत पर सालाना किराए का 16% टैक्स नाफिज कर दिया गया है। शाह 500 मुरबा गज से बड़ी कमर्शियल, सनती और घरेलू जो जायदाद पर टैक्स है उससे इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया है। मकामी सार्फिन के लिए भी बिजली पर 15% इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आयद कर दिया गया है। काफी टैक्स आयद किए गए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामलात हों या गाड़ियां हों या दीगर चीजें हों, हर चीज पर टैक्स जो है वो बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ हम ये देख रहे थे कि आमदनी पर जो टैक्स है शायद वो थोड़ा सा कम किया जा रहा है, उस पर हम तफसीली बात करेंगे आज प्रोग्राम में। साथ में आपको ये भी बताएं कि कमर्शियल सार्फिन पर जो टैक्स की शरह है वो 3% कर दी गई, जबकि खैर पख्तों का 1,332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। तो ये तो बजट की बातें हो गई मुख्तलिफ सूबों की। साथ में आपको ये भी बताएं कि जो सिंध रह गया है, सिंध के बारे में बात करेंगे हम। सिंध का जो आइंदा माली साल का बजट है वो आज पेश किया जाएगा जनाब, और हजम 1,600 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। तो जरा अपने कहते ना पेटियां बांध लें, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स। तरक्याती स्कीमों के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। कराची के लिए 1500 इलेक्ट्रिक और हैदराबाद के लिए BRT स्कीम शामिल होने का भी। बिल्कुल, साथ में मां बच्चे की सेहत के प्रोग्राम को मजीद अजला तक तौसी देने का भी इसमें कहा जा रहा है। अब आपको यह बताएं कि जैसे कि हम रोजाना की बुनियाद पर महंगाई का जिक्र करते हैं, कि हम क्या जिक्र करते हैं, हम रोजाना महंगाई देखते हैं तो जिक्र करना पड़ता है, इतनी महंगाई होती जा रही है। तो महंगाई का शिकार आवाम को एक और झटका लगने जा रहा है। वो झटका ऐसे लग रहा है कि बिजली 3.99 रुपए फी यूनिट जो है वो महंगी कर दी गई है। एक सेकंड, लाइट वाइट बंद कर दें प्लीज, जरा बंद सब बंद कर, बिजली बचानी पड़ेगी, सब बंद कर दो, लाइट वाइट बंद कर। नेपरा नेपराल के महाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ये बिजली महंगी की है, लेकिन इसका इतलाक जो है वो के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा, लेकिन के इलेक्ट्रिक सार्फिन जो है उनके लिए भी बिजली बढ़ती ही जा रही है। वो इस तरह नहीं बढ़ रही तो उस तरह बढ़ती जा रही है। साथ में नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया, यानी कि अब आपकी जो बिजली है वो महंगी हो गई। बिल्कुल ऐसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो इतलाक है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा, शाहिद ने बताया। और अगर आगे बताएं तो जनाब मुल्क में शॉर्टफॉल जो है वो 4,662 मेगावाट है इस वक्त। महंगाई का तूफान, दो वक्त की रोटी खाना शदीद मुश्किल हो गया है। अगर हम नान के हवाले से बात करें, नान बनाने वालों के हवाले से बात करें, तो उन्हें भी कीमत में मुंह माने जो है अपनी इजाफा कर दिया है। जो है ना, कहीं आप नान वाला जो है वो रोटी किसी और प्राइस पर दे रहा है, कोई किसी और कीमत पर दे रहा है, एग्जैक्टली वो कोई एक प्राइस है नहीं।
लेकिन प्राइसेस शायद फिर भी एक लिमिटेशन से ना बाहर जा रही हैं। अब देखे ना, ये कहा जा रहा है कि पिशावर में 150 ग्राम रोटी 20 रुपए की है। बताइए अब हमें क्या पता कि वो रोटी 150 ग्राम की है या नहीं है, ना हमें से कोई भी उसको तोल कर देखता है। लेकिन ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 150 ग्राम की रोटी अगर आपको मिल रही है तो आप उसके 20 रुपए पे करें। 180 ग्राम रोटी जो है वो 25 रुपए की हो गई है। ये हम पेशावर की बात करें, लेकिन लाहौर में भी कुछ सूरतेहाल मुख्तलिफ नहीं है। लाहौर में भी नान जो है वो 20 रुपए का, जबकि सादा रोटी 12 रुपए करने का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि रोटी और नान तकरीबन 5-5 रुपए बल्कि 4-4 रुपए महंगी हो गई। ये देखिए, अगर चार रोटी लेनी है, ठीक है ना, दो रोटी तो एक इंसान खाता ही है ना मिनिमम, चार रोटी लेनी तो सीधा सीधा आपके 100 रुपए तो यही चले गए। और आपके घर अगर बच्चे ज्यादा हैं, फैमिली ज्यादा है, रोटी आपको ज्यादा चाहिए, तो आप समझे 300-400 रुपए चले जाएंगे रोज के, जबकि रोज की कमाई इतनी नहीं है जितनी रोटी पे चली जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आसाद, मैं आपको ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में 100 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स शुरू करने का ऐलान किया। इससे पहले हमने देखा कि आटा तकसीम किया जा रहा था मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए, लेकिन अब बाकायदा पूरे यूटिलिटी स्टोर्स जो है मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स वो शुरू करने का ऐलान किया गया है, जो आगाज में 100 स्टोर्स होंगे, इसके बाद इसकी तादाद बढ़ाई भी जाएगी। और वफाकी वज़ीर इत्तला जो है मरियम औरंगजेब साहिबा, वो ये कह रही हैं कि आप जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उस पर 10 किलो का आटा 400 जबकि घी 300 रुपए किलो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, और माशी इस्तेकाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। साबिक हुकूमत की नालायकियों से अवाम को छुटकारा दिलाकर दम लेंगे। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा का कल मैंने एक इंटरव्यू भी देखा और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, जो कि शाज़िब यू एंड आई वी कीप ऑन सेइंग द सेम थिंग। आपको याद होगा हमने अक्सर इस बात को रेज किया है कि हम जब अपने पॉलिटिशियंस को देखते हैं और जब उनके एग्रेशंस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं, नॉट एवरीबॉडी बट कहीं ना कहीं वो अपनी एक ऐसी अखलाकियात की लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। एंड यू नो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी बताया कि मैंने शोज में जाना इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज वहां पर तूफान बदतमीजी और जो अल्फाज का इस्तेमाल होता था, इससे बेहतर था कि ना जाओ। सो आई थिंक उनके बोलने का अंदाज जो है ना, शायद लोगों को सख्त लगता हो लेकिन जबान उनकी हमेशा अच्छी रही है। मतलब वी हैव टू गिव दैट नंबर्स टू हर। अच्छा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया गया है, मुबारक हो बहुत बहुत आपको। और इस वुमेन कैटेगरी में पाकिस्तान की तुबा हसन मई की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई है। तुबा, कंग्रेचुलेशंस तुबा ने श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में ऑलराउंडर कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। और मेंस कैटेगरी में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज फातिह रहे, जबकि आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान एक दर्जे तरक्की करके चौथे नंबर पर आ गया है। तो ये खेलों के मैदान से खबरें भी हो गई। बजट के हवाले से बहुत सारी खबरें जो फैक्शन फिगर से वो आपके सामने शेयर किए, तरक्याती बजट कितना होगा, क्या चीजें महंगी होनी जा रही हैं, ये तमाम चीजें तो हम देख रहे हैं। लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क की जो मईशत है वो हिचकोले खा रही है, वो संभल नहीं पा रही है। डॉलर की बात करते हैं तो वो महंगा होता जा रहा है, रुपए की कदर में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। मुसलसल इंटर बैंक में डॉलर मजीद 1.65 रुपए महंगा हो गया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं तारीख के बुलंद तरीन सतह पर आ गया, ओपन मार्केट में भी डॉलर 204.50 रुपए पर फरोख्त हुआ है। जनाब 204.50 रुपए, हमने कभी सोचा भी था कि ये प्राइसेस हम सामने देखेंगे। अभी जब मैं उम्रे पे थी तो रियाल जब हम डाल रहे थे तो शायद 53, तो वो ना जब जो लोग पहले होकर आए ना, उन्होंने कहा यार इतना वैल्यू हमारी नीचे आ गई है, हमारे रुपए की वैल्यू इतनी ज्यादा, हम नीचे पहले 8-9 रुपए, फिर एक टाइम था 15 रुपए, फिर एक टाइम था 18-19 रुपए, अब 53 रुपीज रियाल। और आप डॉलर को देखिए 204.50 रुपए, अनबिलीवेबल। साथ में जो है इसको देखें तो पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का भी कहना है इस हवाले से कि जनाब करेंसी और स्टॉक मार्केट ने भी बोगस और गैर संजीदा बजट पर अदम एतमाद का इजहार किया। अब ये भी एक जाहिर है, एक पॉइंट रेज हो रहा है। बिल्कुल, जो अपोजिशन है वो खासतौर पर क्रिटिसाइज भी कर रही है कि बजट के बाद जो मार्केट है उसमें हम मजीद गिरावट देख रहे हैं, वो संभल नहीं पा रही है, ना मईशत में कोई बेहतरी आ रही है और रुपए की कदर में भी कोई बेहतरी नहीं आ रही, डॉलर मजीद बढ़ता जा रहा है। तो ये क्यों बढ़ता जा रहा है, हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी कि क्या वजूहत हैं कि हुकूमत इस वक्त सब इकदामात करने के बावजूद, टैक्सेस लगाने के बावजूद, आईएमएफ की शराइत मानने के बावजूद मईशत को संभाल नहीं पा रही है। शाज़िब इतना सडन ड्रॉप, इतना बड़ा ड्रॉप और इतना सडन ड्रॉप, ये क्यों हो रहा है, क्यों बजट के आते ही इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई? जस्ट इमेजिन कि वो लोग जो स्टॉक में ऑब्वियसली जिनके बिजनेसेस हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत शदीद जो है इस वक्त जो है वो शॉक का। अच्छा, वैसे ये प्रॉब्लम होती है जब सियासी इस्तेकाम हमेशा होती है, कहते हैं बहुत बहुत जरूरी है। और इसमें यही होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे इस वक्त खासतौर पर, और जब जाहिर है इन्वेस्टर्स एक परेशानी का शिकार होंगे, कन्फ्यूजन होगी उसमें, तो जाहिर बात है फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आती है, स्टॉक मार्केट भी गिर जाती है। और यही वजूहत हम देख रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर
क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा, क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उसमें हर किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं लेकिन इन्वेस्टर्स के अंदर हमें कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। तो यही हम बात करेंगे कि बजट के बाद भी अचानक मार्केट में इतनी गिरावट क्यों है, क्यों है? यही आज हमारा सवाल है, इस पर हम बात करते हैं। हमने राबता किया डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज एमएच नाई साहब से, उनसे हम बात आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, बहुत अच्छे हैं। सर हम देख रहे हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी रोज इतना बड़ा धचका हम देख रहे हैं, डॉलर को हम देख रहे हैं मुसलसल बढ़ता जा रहा है, बजट आने के बाद भी कोई बेहतरी हमें नजर नहीं आ रही, आपके समझते हैं मार्केट गिरने की जो बुनियादी वजह है वो क्या है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बात यह है कि जब इस किस्म की नेगेटिव न्यूज आएगी कि IMF से जो है वो IMF हमसे खुश नहीं है और हम ये समझते हैं कि और मजीद जो है वो रुपया भी डिवैल्यू हो गया होगा, एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ेंगे, फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो स्टॉक मार्केट में हमेशा बड़ी नुकसानदेह साबित होती है। ये अनसर्टेनिटी जो है जिस पे बात की है फाइनेंस मिनिस्टर ने, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी वजह है मार्केट की गिरावट की। अच्छा, लेकिन अहमद साहब इस तरह शाहजेब ने सवाल किया ना आप कैसे हैं, तो मैंने कहा शायद आपका जवाब आएगा कि इन हालात में कोई भी जिसको स्टॉक एक्सचेंज को ऑब्वियसली यू आर बीइंग डायरेक्टर कैसे फीलिंग्स होंगी, बट क्या सरमायाकार भी इस नए बजट से मुतमईन नहीं है इशराय साहब? देखिए मैंने जो अपने इंटरव्यूज दिए थे पिछले 2-3 रोज में बजट के बाद, फ्राइडे के बाद से, उसमें मैंने यही कहा था कि इन हालात में ये एक स्टेबल बजट है और इससे ज्यादा बेहतरी जो है वो फाइनेंशियल आउटले में नहीं लाई जा सकती थी जो फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आए थे, लेकिन उसके फौरी बाद उनके ये स्टेटमेंट्स जो हैं मैं समझता हूँ उन्होंने मार्केट को जो है वो एक बहुत बुरी तरह जो है वो धचका दिया है और इसके बाद जो है वो लोगों में जो एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लेवल होना चाहिए था ना वो नहीं आ रहा। लोग अब ये समझ रहे हैं कि पता नहीं ये कहाँ तक ले जाएंगे देखिए हर एक को पता था कि जी इंटरनेशनली ऑयल के प्राइसेस क्या हैं, पाकिस्तान में ऑयल क्यों सस्ता मिल रहा है, किस वजह से जो है वो पिछली गवर्नमेंट ये सारे काम करके गई है और इसके बाद जो है वो मैं समझता हूँ कि खुल के जो है वो गवर्नमेंट को आ जाना चाहिए था कि जी हमारा फाइनेंशियल आउटले ये है, हम मैक्सिमम ये काम कर सकते हैं और इस तरह हमने ये किया है और आगे जाके और हम आवाम की बेहतरी के लिए ये इकदाम करेंगे। इन्होंने एक बजट का आउटले दे दिया लेकिन साथ में ये जो बातें हुई हैं पिछले 2 रोज में ये मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लेकर आई है। अच्छा, जैसे आप अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि हुकूमत के बयानात से बहुत फर्क पड़ता है, इकदामात तो एक तरफ उठाए जा रहे हैं लेकिन जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि सरमायाकार जो है उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके? जी बिल्कुल, देखें आज ये वक्त आ गया है कि हुकूमत को चाहिए कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो पूरी दुनिया से इन्वेस्ट करते हैं, जो पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं, उनके उनके ट्रस्ट लेवल के लिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए जो है वो ऐसी बातें आती कि लोग इस तरफ आते। आज ये जो मार्केट है 40,800 पॉइंट का इंडेक्स जो है ये मैं समझता हूँ कि 50,000 का इंडेक्स होना चाहिए था। जो स्क्रिप्ट की प्राइसेस हैं जितनी गिरी हुई हैं वो गिरी हुई नहीं होनी चाहिए थी। आप इनकी पिछले 2-3 साल की बैलेंस शीट देख लें, वो इतनी हेफ्टी अमाउंट की बैलेंस शीट्स हैं कि मैं समझता हूँ कि वो PE रेशो जो है वो 2.5 पे है, जो बेसिकली मैं समझता हूँ कि 13-14-15 पे होना चाहिए था, तो ये 50,000-60,000 का इंडेक्स हो जाना चाहिए था लेकिन सॉरी अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारे पास चूंकि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये सारी कंपनीज जो है वो बड़ा मुनाफा कर रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि इस महीने के आखिर में जो है वो आप बिल्स देखना आपके इलेक्ट्रिसिटी के, वो उसमें आपको शॉक मिलेगा फला फला फला। ये बातें की नहीं जाती, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी जाती हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आया जाता है कि जी मुल्क की फाइनेंशियल हालात ये थे, हमने ये इकदाम लिए हैं और इन इकदाम से ये हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ जो इजाफे हुए हैं ये जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं उनके पास ये पूरा क्वेश्चन मौजूद है कि ये शॉक अब्सॉर्ब कर लें और ये कोई खुदा ना खास्ता कंपनियां दिवालिया नहीं हो जाएंगी कि एक दिन में 1,000 पॉइंट गिर जाए, अगले दिन फिर मार्केट जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ खुले। जी हाँ, तो ये जो है वो मैं समझता हूँ हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त गवर्नमेंट का काम ये है
कि जी लोगों को कॉन्फिडेंस दिलवाए, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिलवाए और ये बताएं कि हम मौजूद हैं और हम आगे आकर बेहतर काम करेंगे कि जिससे इकोनॉमी में ये हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली बात है अहमद साहब, बिकॉज शाहजेब ने भी जो सवाल किया उससे रिलेटेड, बिकॉज पीटीआई रहनुमा हमादर साहब ने भी यही कहा कि करेंसी और स्टॉक मार्केट ने भी बोगस और गैर संजीदा बजट पर अदम एतमाद का इजहार किया। देखिए मैं इसको ना बोगस कहूंगा ना गैर संजीदा बजट कहूंगा, ये जेन्युइन बजट है, संजीदा बजट है। ये इनके अपने पॉलिटिकल माइलेज है, मैं उस पर तबसरा नहीं करता। मैंने पहले कहा कि बड़ा स्टेबल बजट गिवन द सर्कमस्टांसेस, लेकिन इन हालात में जो है वो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए जो है वो भी मेजर्स होने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली मीडिया को जब फेस करना होता है तो मीडिया को मीडिया के तरीके से फेस करना होता है। मिफ्ता इस्माइल साहब एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, उन्होंने जो एक बिजनेसमैन वाली बात है वो शायद की है। मीडिया के साथ मीडिया को जो मेन पॉइंट्स बताने चाहिए थे जो सियासी तौर पर उनको फायदा पहुंचा सकता था, लोगों में जो है वो कॉन्फिडेंस ला सकता था, मैं समझता हूँ शायद कमी आ गई है जिसकी वजह से ये हालात फेस करने पड़े हैं। एम एस साहब कुछ और आपकी बात काटते हुए बस जरा शॉर्ट बताइएगा, कोई उम्मीद है आज बेहतर सिचुएशन होने की? देखिए बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बेहतर सिचुएशन नहीं हो सकती। हमारी कंपनियां कोई दिवालिया नहीं हो गई, मुल्क खुदा ना खास्ता कोई दिवालिया नहीं हो गया, कोई ऐसी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई ऐसा नहीं हुआ कि जैसे 10 रुपए की चीज 20 रुपए की हो गई है या कंपनियां जो है वो बिल्कुल ही जो है वो मुनाफा नहीं करेंगी। देखिए बात समझने की यह है कि इन कंपनीज ने पिछले 3-4 साल में बेतहाशा मुनाफा किया है, इतना मुनाफा शायद पाकिस्तान की 75 साल तारीख किया। आप इनकी बैलेंस शीट तो उठा के देखें, आप इनकी प्रॉफिट अर्निंग्स तो देखें, आप इनका रेवेन्यू जनरेशन तो देखें, आप इनकी सेल्स तो देखें। जो कंजम्पशन लेवल है पाकिस्तानियों का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और फॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि ये बड़े आइडियल सर्कमस्टांसेस थे कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर जाता। लेकिन इन हालात को सिर्फ समझने की बात है, इन हालात को समझ लें तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कोई दिवालिया नहीं हुआ, कोई मायूसी की बात नहीं है, और पाकिस्तान बहुत ज्यादा अच्छी बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात कही है आपने। मिश्रा साहब को खुदा ना खास्ता कोई दिवालिया नहीं निकल गया है, कोई इस तरह हम सिचुएशन में बुरे में नहीं है, खुदा ना खास्ता कॉन्फिडेंस जो है हमें वो गेन करना है तमाम सरमायाकारों का ताकि ये मार्केट बेहतर। ग्रेट स्टेटमेंट, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर शो एंड यू हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे और इंशाल्लाह ऑल द वेरी बेस्ट टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज वेल, कि अल्लाह करे हमारे स्टॉक पॉइंट्स बढ़े और हमारी बिजनेस सिचुएशन बेहतर हो। बट साथ उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पास्ट में बड़ा मुनाफा हुआ है, देयर आर सिचुएशंस विद देयर इज अप देयर अप्स एंड देयर डाउन्स, तो वो बिजनेस में होता है एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड और हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर भी सिचुएशन ये अप एंड डाउन जो है ना ये वेदर में नहीं हो पा रहा, ये सब अप होता जा रहा है, मुसलसल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। मैंने सुना है कि सिंध में बारिशों का सिस्टम आने वाला है, ये पता नहीं आपने सुना, मैंने कब आ रहा है ये बारिशें कब शुरू होंगी, क्योंकि मौसम की जब हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुल्क का मौसम कुछ अंगड़ाई ले तो रहा है, लेकिन ये अंगड़ाई लेकर कहां जा रहा है ये समझ नहीं आ रही है। क्या आप कोई बारिश होने वाली है, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ हमें देखिए कि बारिश हुई है। बिल्कुल वेदर मैन से हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में कराची के रात गए जो है वो बूंदाबांदी हुई है, लेकिन ये मौसम किस तरफ जा रहा है, क्या वाकई अभी ये शदीद गर्मी चलती रहेगी, बारिश होगी नहीं होगी, जवाद मेमन से बात करते हैं, वेदर मैन हमारे साथ मौजूद। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बड़ा याद कर रहे थे हम आपको, और मैं तो आपको फौरन ही ना टीम में भी बैठे होते हुए जवाद भाई को फोन करके पता करो कब हो रही है बारिश कराची में, तो क्या सिनेरियो है जवाद भाई, कराची में बारिश कब होगी, हमने सुना है सिस्टम आने वाला है। देखिए माया प्री मॉनसून एक्टिविटीज तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है कराची में, दिन के टाइम थोड़ी गर्मी रहती है, हफ्त पिछले 2-3 दिन से बढ़ गया है, समंदरी हवाएं थोड़ी सी रुकी हुई थी लेकिन इंशाल्लाह आज शाम या रात से समंदरी हवाएं दोबारा बहाल हो जाएंगी, जबकि आगे आने वाले हफ्ते ये जो कमिंग वीक है ये इसी तरह चलेगा कि लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो है वो कराची के किसी ना किसी इलाके में हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कहीं लाइट शावर, ये सिलसिला तकरीबन जून के लास्ट वीक तक जो है इसी तरीके से चलेगा। उसके बाद जून के लास्ट वीक में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मानसून का पहला सिस्टम जो है वो सिंध की तरफ मूव करेगा इंशाल्लाह। प्री मानसून यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि प्री मानसून जो सीजन है वो शुरू हो जाएगा।
जी बिल्कुल शाहिद भाई, ये जो सीजन है ये बेसिकली प्री मॉनसून ही कहलाता है और प्री मॉनसून एक्टिविटीज जो ये हो रही है फिलहाल तो कराची में ये सी क्लाउड से समंदरी बादलों से जो है वो हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन ये प्री मॉनसून मॉइस्चर ही होता है जिसके जेर असर जो है वो किसी न किसी इलाके में। जवाब में ये जो हम गर्मी की शदीद लहर देख रहे हैं इस वक्त कराची में, कराची की अगर स्पेशली बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी अजीब किस्म की बहुत शदीद गर्मी की लहर है दोपहर के टाइम खास तौर पर, ये कब खत्म होगी? क्या इसमें कोई कमी का इम्कान है कि बारिशें या बूंदाबांदी होगी तो इसमें कोई कमी आएगी, कोई मौसम में कमी आएगी? जी शाहिद भाई, ये काफी हद तक जो है ये आज समझे कि आज इसका तकरीबन आखिरी दिन है क्योंकि पिछले दो तीन दिन से जो है वो सी ब्रीज कराची में काफी हद तक स्लो डाउन हुई हुई है, तो अगेन जो फ्रीज-लाइक टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा चला जाता है, 42-43 तक चला जाता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज शाम रात से जो है वो सी ब्रीज दोबारा बहाल हो जाएगी, तो कल से कह सकते हैं कि कराची में मौसम जो है वो दोबारा काफी हद तक बेहतर हो जाए। बेहतर हो जाएगा जराजवाद भाई, वो एक सवाल बड़ा कंट्रोल रूम से आया और वाकई में बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि पिछली बार भी बकरीद पर बारिशों का सिलसिला बहुत ज्यादा था, तकलीफ लोग ज्यादा तकलीफ में आ गए थे, लोगों के लिए अनकंफर्टेबिलिटी, बीमारियां, फिर जानवरों का और फिर वो कुर्बानी के बाद का सारा वो जो हालात होते हैं वो अब हम सब वाकिफ हैं, तो बकरीद के टाइम में हम क्या देख रहे हैं मौसम के हवाले से? जी भाई देखिए माया, बकरा ईद के टाइम पे जो है वो मॉनसून सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा, अब तक जो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जून के लास्ट वीक से जो है वो पाकिस्तान में जो है वो मॉनसून स्टार्ट हो चुका होगा। अब उस टाइम उन दिनों जो है वो किस इलाके में कितनी बारिशें होती हैं वे फिलहाल थोड़ा सा कहना अभी जल्दी है क्योंकि तकरीबन एक महीने आगे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यही उम्मीद है कि बकरा ईद जो है वो मॉनसून सीजन में होगी, इसलिए बेहतर यह है कि सारी एहतियाती तदाबीर जो है वो जरूर देखें। सही कह रहे हैं, वो ली जाए बिल्कुल। अच्छा, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जवाब भाई क्या सूरत हाल रहेगी, क्या कर सकते हैं? पंजाब में देखें शाहिद भाई, अगेन प्री मॉनसून की काफी अच्छी बारिशें रिपोर्ट हो रही हैं और इस वीक भी जो है वो जुमेरात के आसपास जो है वो अपर एरियाज में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आ रहा है, तो वो उसका असर जो है वो पंजाब तक भी आएगा, स्पेशली अपर पंजाब, इस्लामाबाद, पिंडी और कुछ सेंट्रल पंजाब में भी जो है स्कैटर्ड एक्टिविटीज रहेंगी, इन एरियाज में जो है वो बारिशें जो है वो अब चलती रहेंगी काफी अच्छे तक। थैंक यू सो मच जवाद भाई, हमेशा आप आते हैं और अच्छी अच्छी खबरें बताते हैं, लेकिन आज आपने मेरे दिल की बात कर दी कि मॉनसून, प्री मॉनसून शुरू हो चुका है और जून के एंड तक जो है वो बारिशें का सिलसिला शुरू हो सकता है। इट्स वेरी अर्ली अबाउट बकरा ईद बट स्टिल मॉनसून का सीजन होगा लाइक यू सेड, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स आर टू बी टेकन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब प्रोग्राम में जाते जाते वक्फे पे एक बात कहेंगे, अगर आपको 1300cc गाड़ी चाहिए तो आपको 300,000 से ऊपर इजाफी देना होंगे, क्यों? इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिए। देने का बेहद शुक्रिया, खुद जाने से पहले आप लोगों से की थी एक बात, आई एम वेरी श्योर मुझे कुछ मैसेज आना शुरू हो गए, क्या मतलब है 1300cc गाड़ी अगर आपको चाहिए तो 300,000 प्लस आपको देने पड़ेंगे, क्यों? बिल्कुल, 1300cc से ऊपर की गाड़ी अगर आपको अब खरीदनी है तो 300,000 रुपए अब आपको इजाफी देने होंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से 1600cc या उससे ज्यादा ताकत के इंजन के हामिल गाड़ियों पर एडवांस टैक्स आयद किया गया है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो छोटी गाड़ियों पर भी ऑटोमेटिकली आता है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो हमारा एक जो मिडिल क्लास तबका है अब वो गाड़ी खरीद सकेगा नहीं खरीद सकेगा, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, उनके जो 1000cc गाड़ियां हैं या उससे कम गाड़ियां हैं क्या उनकी कीमत भी बढ़ने वाली है या नहीं? शायद अब गाड़ी ले भी लेंगे तो चलाएंगे कैसे, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, लेकिन पहले खरीद तो लें, छोड़ो अब इसमें पेट्रोल कौन डालेगा, लेकिन वाकई में बकौल आपके कि क्या वो एक आम आदमी की रीच से दूर हो जाएगा, क्या ये एक ऐसा इसका रिएक्शन आएगा जिस पर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा उन लोगों पर जो कंज्यूमर्स हैं और जिनकी जेब जो है वो बहुत कम है लेकिन उनकी ऑब्वियसली जरूरत होती है गाड़ी। आप जो कार्टून देखे थे फ्लिंटस्टोन, बिल्कुल देखे थे, वो वाला टाइम आ जाएगा, पत्थर पे आपने जो आपने गाड़ी बनाई, गाड़ी नीचे से टांगे लगा देते उससे हो चला, बिल्कुल सही। अब हम ना फ्लिंटस्टोन गाड़ियां इतनी महंगी होती जा रही है, लेकिन क्या वाकई अब छोटी गाड़ियों की प्राइसेस भी बढ़ने वाली है या नहीं, ये समझने के लिए हमने दावत दी है चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद साहब को, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हम सब लोग खैरियत से तो हैं, लेकिन शहजाद साहब ये समझ नहीं आ रही कि ये गाड़ी लोग खरीद पाएंगे अब कि नहीं खरीद पाएंगे, या छोटी गाड़ियां जो 1000cc है उससे कम ये भी महंगी होने वाली है? देखिए पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि टोयोटा, होंडा, सुजुकी और जितने भी असेंबलर्स हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हमारी बदनसीबी है
मुल्क की नहीं हमारी ही बदनसीबी है जो पिछली हुकूमतों ने इनको इतना ज़्यादा जो है उसको मेहरबानियाँ की कि आज तक मैन्युफैक्चरिंग है और उसका अब खुमियाना हमें ये बरतना पड़ रहा है कि आज तक हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं मोहताज। आपने कहा कि जी ये टैक्सेस डालने के बाद क्या गाड़ी महंगी हो जाएगी, सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि क्या हम मैन्युफैक्चरर होते तो आज ये नौबत आती, आज दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे होते, आज सुजुकी को 40 से 42 साल हो गए, होंडा टोयोटा को 34-35 साल हो गए, छोटा सा बच्चा भी जो है वो परवान चढ़ के बहुत कुछ करता है। देखें अब टोयोटा होंडा सुजुकी ने अपनी बुकिंग बंद कर दी, ये लास्ट बुकिंग खोली थी, मैंने भी सुना था बुकिंग बंद हो गई, बिल्कुल लास्ट बुकिंग इन्होंने खोली थी तो ये कहा थी 182 रुपए का डॉलर है और अगर बढ़ेगा तो हम देखेंगे, अब क्योंकि डॉलर बढ़ गया है तो अब बुकिंग इन्होंने बंद कर दी है तो 2-4 दिन में इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगी और बढ़ जाएंगी और एडवांस टैक्स भी लगाया जाएगा, ये एक अलग चीज है। अच्छा ये एक अलग चीज है, अच्छा ये इससे बिल्कुल अलग है, ये अलग है, इसका वास्ता नहीं, ये तो गवर्नमेंट के जेब में जाएगा, वो जो कीमतें बढ़ाएंगे वो उनकी जेब में जाएगा। अच्छा नहीं लेकिन लेकिन इस्तेमाल करने वाले के लिए जेब में तो जाएगा, बोझ तो पड़ेगा। अब आप देखें कि गवर्नमेंट ने छोटी गाड़ी पे जो 7,500 रुपए एडवांस टैक्स था उसको 10,000 कर दिया, जो उससे ऊपर की गाड़ी पे 15,000 था उसको 20,000 कर दिया। 660,000 आम अर्थों में कि एक छोटी गाड़ी 1000 सीसी गाड़ी एग्जांपल हम ले लें तो आने वाले दिनों में कितना इजाफा हो सकता है, किस हद तक इजाफा हो सकता है, अगर कोई गाड़ी समझ लें 15 लाख रुपए की, वैसे तो आजकल खैर छोटी गाड़ी में इतनी महंगी हो गई है, 15 लाख रुपए की, तो उसमें कितना इजाफा हो जाएगा? देखें पहले एक और तमीज हम बात लें कि पिछले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये मई 5 महीने हुए, 5 मरतबा इन्होंने कीमतें बढ़ा चुके हैं। अच्छा जो गाड़ी 2 साल पहले जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी सुजुकी अल्टो, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी 13.5 लाख की और एक 14.5 लाख की, आज ऑलरेडी वो 25-26, 26-26 लाख की है। अब आपके सवाल पे आता हूँ कि अब क्या होगा, तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए ये बढ़ाएंगे। अच्छा तो शाहजवा की बात काट रही हूँ माजरत, अभी आप जब लास्ट आए थे आप माशाल्लाह वक्तन फवक्तन आते रहते हैं प्रोग्राम में, जब आप लास्ट आए थे उससे पहले भी आपने एक बात की थी, लास्ट टाइम भी आपने एक बात की थी कि आम आदमी मिडिल क्लास वाले की पहुंच से गाड़ी बहुत दूर हो गई है। अच्छा अब वो बिल्कुल छोड़ दे ख्याल अपना कि मुझे गाड़ी लेनी है, वो छोड़ दे बिल्कुल अपना ख्याल छोड़ दे, लेकिन मैं क्या कहता हूँ माया मेरी बात को समझे, गाड़ी लग्जरी नहीं है, गाड़ी नेसेसरी है। ये क्यों नहीं समझती गवर्नमेंट, ये लोकल असेंबलर क्यों नहीं समझते, जरूरत है। अच्छा आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं कुछ और बातें भी करूंगा, मैं ये कहता हूँ हम ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये नाहल है, ये करप्ट लोग हैं, ये जितने भी बैठे हैं टोयोटा होंडा सुजुकी वाले, इनके मुंह जो है वो खून लग चुका है, उसे इस पाकिस्तान या इस पाकिस्तानी आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा देखें CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के लिए LC खोलते हैं, आपका करोड़ों डॉलर जा रहा है मुल्क से, इस वक्त मुल्क चलाने के लिए हमें डॉलर की जरूरत है। वजीर आजम साहब और वजीर खजाना साहब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें डॉलर चाहिए, वो भाई ये जो आपको नुकसानदेह चीजें हैं उसको तो रोके, आप उसको नहीं रोक रहे, आप रोक किसको रहे हैं कि जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी आपको गाड़ी भेज रहा है और साथ में डॉलर ड्यूटी भेज रहा है आपको, सही बात, आपने उसको बैंड लगा दिया, अब एक जो फजा कायम थी कॉम्पिटिशन की वो आपने खत्म कर दी, अब तो मैदान में एक ही पहलवान है जो ये मौजूद है, अब ये कहते हैं कि जी हम ही हम हैं, देखें नुकसान क्या हो रहा है, एक आपके मुल्क का डॉलर जा रहा है, बहुत आवाम को ना सस्ती गाड़ी मिल रही है ना मियाली गाड़ी मिल रही है, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड 0, सब स्टैंडर्ड गाड़ी। अच्छा अब आप सबसे बड़ी चीज, जो 4 महीने का टाइम था उसको 8 महीने कर दिया इन्होंने गाड़ी का डिलीवरी टाइम, राइट, ये भी अपनी जगह, आज तक जो लव्स ऑन तो अच्छा है, ब्लैक मार्केटिंग खत्म नहीं हुई माया, आप बिलीव करें कोई एक सिंगल गाड़ी आप यकीन करेंगी छोटी छोटी गाड़ी पे 2-2.5-3 लाख रुपए, और जो अब बड़ी गाड़ियां जो जीपों में शुमार होती है 40-40 लाख रुपए ब्लैक मार्केटिंग है, हुकूमत कहाँ सोई हुई है मेरा तो सवाल ये है, और इनके कंपटीशन के लिए जो बाहर से गाड़ियां आ रही थी उस पर आपने बैंड लगा दिया, वो गाड़ी जो समंदर पार पाकिस्तानी मजीद बन जाएगी और जो ऑलरेडी बनी हुई है वो बढ़ जाएगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखें जो बाहर से गाड़ी आती है ना उसके लिए LC नहीं खुलती, आपके मुल्क से जर मुबादला ना पाकिस्तानी रुपीस में जाता है ना डॉलर में जाता है, 100% समंदर पार पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूव हुई स्कीम के तहत वो गाड़ी भेजता है और अपने वहां से अकाउंट से स्टेट बैंक के थ्रू इनकैशमेंट सर्टिफिकेट की शिकल में आपको डॉलर ड्यूटी भेज रहा है।
क्या पागल है या कोई और मकसद है इसके पीछे, क्यों अपनी आमदनी को रोक दिया? लास्ट एक और चीज आपको बताऊं, 60 करोड़ डॉलर लास्ट ईयर गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी के मद में, डॉलर ड्यूटी के मद में दिए गए 60 करोड़ डॉलर, रुपीस नहीं डॉलर। अच्छा अब ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें जब हम गाड़ियों की बात करें आने वाले इस बल्कि 2022 की बात कर लें, आपके ख्याल में ये 3-4 माह बाद गाड़ियों की प्राइसेस कितनी ऊपर जा सकती हैं? जो अगर हम 6-7 सीटी गाड़ी की बात करें तो इसकी प्राइस के मुझे लग रहा है जिस तरीके से बढ़ती जा रही है ये तो 30-35 लाख 40 लाख में चली जाएगी। आप तो मजाक कर रहे हैं, 4-5 महीने की बात करें या भी चली जाएगी। टोयोटा होंडा सुजुकी नाराज हो जाएंगे आपसे। अच्छा ये जुलाई 1 जुलाई से आपके प्राइस बढ़ रहे हैं, आप कहां बैठे? अच्छा देखिए पहले तो ये गेम था सिर्फ टोयोटा होंडा सुजुकी के हाथ में ना, ये असेंबलर 40-40, 42-42 साल से आप मतलब आप सोच नहीं सकते ये कहाँ पहुंच गए। ये तो ये इनके ऑथराइज डीलर कहाँ पहुंच चुके हैं जिनके पास आप गाड़ी बुक कराने जाते हैं। अब इसके अलावा जो आया हुआ है किया वाला आया हुआ है, चेंचिंग आया हुआ है, फिर आपका जो है 7-8 कंपनीज और आए थे, वो कह रहे थे हम तो पागल थे कि किसी और चक्रों में रहते हैं, कोई कह रहा मैं सीमेंट में खेल रहा था, इतना पैसा मुझे नहीं मिला जितना इन गाड़ियों में मुझे मिल रहा है। तो ये मुल्क ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जन्नत है अगर खुदा रहा, ये आवाम के लिए ये सारी बातें तो हो गई। दो चीजें हैं, एक तो ये कि हुकूमत को क्या इकदाम उठाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा कि गाड़ियां सस्ती हो सके, जो हमारा एक वो मिडिल क्लास तबका है वो गाड़ी अफोर्ड कर सके, एक बात है बिल्कुल उनकी जरूरत है ये जरूरत के मुताबिक गाड़ी खरीदनी है। दूसरी बात है कि गाड़ी की प्राइसेस में किस हद तक इजाफा होगा वो मैं परसेंटेज आपसे जानना चाह रहा हूँ। अभी तक मेरा ख्याल है कम से कम 18-25% तक गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जो डॉलर 182 से चला गया 202-203-204 में भी शायद फर्स्ट जुलाई तक ये और ऊपर चला जाए। तो ये तो उसका वेट कर रहे हैं और ये कीमतें बहुत बढ़ चाहिए। हुकूमत को करना क्या चाहिए? हुकूमत को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि ये जो लोकल असेंबलर CKD SKD असेंबली इम्पोर्ट कर रहा है उसको बैंड अगर नहीं लगाते तो उसको कम से कम करें ताकि आपका डॉलर ना जाए, और जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां जो बाहर से समुद्र पार पाकिस्तानी भेज रहा है उसको आपने बैंड लगाया उसको फौरी तौर पर हटाएं। अच्छा शहजाद भाई आपकी बात काट रही हूँ, अब जरा मैं एक दूसरे तरफ आती हूँ, यूज गाड़ियां ठीक है, सेकेंड हैंड गाड़ियां, क्योंकि एक आम आदमी से आपने बात शुरू की शाजेपुर में भी यही बात कर रहे थे कि ये लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, जरूरत है, ठीक है, ज़ईफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, जरूरत है। अब वो गाड़ियां जो नई है वो तो हमारी पहुंच से दूर हो ही गई ना, अगर वो गाड़ियां जो इस्तेमाल हुई भी है इस्तेमाल शुदा गाड़ियां उनको अगर हम छोटी से छोटी गाड़ी की भी बात करें तो वो कितने में एक आम आदमी ले? देखिए इस वक्त 3 साल पुरानी कार जापान से आ रही थी, ठीक, हुकूमत उसको ज्यादा कुछ ना करे 5 साल पुरानी की इजाजत दे दे, हुकूमत को रेवेन्यू मिलेगा और 10-12 आपका अभी 22 चल रहा है ना, तो 15-17 मॉडल की गाड़ी का, अच्छा मैं सिर्फ 17 मॉडल की गाड़ी का कह रहा हूँ कि वो लाने की इजाजत दे, वो 5 साल पुरानी हो जाएगी जापान के अंदर। वो गाड़ी अब भी हम 10-12 लाख रुपए में आवाम को गाड़ी दे सकते हैं और उसमें गवर्नमेंट का 4-5 लाख का रेवेन्यू मौजूद है। वो बात तो ठीक है, लेकिन हम सवाल ये कर रहे हैं कि 2007 की 8 की 9 की 5 की 6 की जो गाड़ियां ऑलरेडी हमारे मुल्क में मौजूद हैं इस्तेमाल शुदा गाड़ियां हैं, क्या वो गाड़ियों की कीमत जो उसमें भी इजाफा होगा हो या कितने तक की मिल हो चुका हो चुका? मतलब हमारे ये कैमरामैन बैठे ना, इन लोगों को जाना होता है, इन लोगों की शूट्स होती है, क्या ये लोग की रीच में है वो वाली 2005-06 वाली गाड़ी? वो भी गाड़ी देखे मेरे साल के तौर पे जो अगर नॉर्मल हमारी लाइफ के अंदर देख रहे होते तो शायद वो गाड़ी जो आप कह रहे हैं वो 3-3.5 लाख की मिल जाती थी, आज वो गाड़ी 7-8 लाख रुपए में नहीं है, ठीक है, वो पुरानी गाड़ी डबल उस पे भी डबल हो गया। इस वक्त देखें हुकूमत को मुल्क चलाने के पैसा चाहिए, समर पाकिस्तानी समंदर पार पाकिस्तानी कह रहे हैं हम देने के लिए तैयार है, वैसे तो समंदर पार पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया से गाड़ियों की ड्यूटी के अलावा वो तो अरबों डॉलर आपको भेज रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो गाड़ियों की मद में आपके पास पैसा आ रहा है आपने क्यों और किसके कहने के ऊपर ये बैंड लगा दिया? आपको 60 करोड़ डॉलर पिछले साल मिला है, इस साल खुदा रहा इसको आप हटा दें, 100 करोड़ डॉलर आपको ये मिल सकते हैं आवाम को सस्ती मियारी गाड़ी, सिर्फ एक ही शर्त मेरी क्या है, शर्त नहीं है, रिक्वेस्ट है वजीर आजम साहब से कि 3 साल के बजाय 5 साल पुरानी गाड़ी लाने की इजाजत दें ताकि आवाम की कुव्वत में जो दरमियाना तबका, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, हुकूमत को
ये देखना चाहिए कि किस तरीके से गाड़ी सस्ती फराम की जा सकती है, जरूरत है, लोगों की जरूरत है। और जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे मुल्क में इतना अच्छा नहीं तो लोग मजबूर होते हैं वो अपनी गाड़ी अपनी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ओवरऑल इसके बाद तो गाड़ियों के हवाले से हम यही जिक्र कर रहे थे, यही बात कर रहे थे किस तरीके से गाड़ियों की जो कीमतें उसमें इजाफा हो रहा है और आगे भी होने वाला है, बजट आने के बाद जो है इसमें मजीद इजाफा भी हम देख रहे हैं। बहुत राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा शाहिब, कल आप और मैं, आप मुझे कुछ खबर बता रहे थे, मैं जब गई हुई थी तो मैंने कहा शाहिब जरा बताएं क्या क्या चीजें हुई, तो आपने मुझे कल एक खबर बताई थी जो कि मुझे लग रहा था कि हाँ वाकई ऐसा पॉसिबल है। यू वर टेलिंग मी समथिंग अबाउट द सैलरी वाले टैक्सेस। बिल्कुल, तनख्वाहदार तबके की जब हम बात करते हैं तो हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्सेस की मद में रिलीफ दिया है। और रिलीफ किस तरह दिया, क्योंकि लोग बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हम सब जानना चाहते हैं कि इन टैक्सेस में रिलीफ किस तरीके से दिया जा रहा है, कितनी आमदनी पर कितना रिलीफ मिला है। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि FVR के जो जराए हैं वो हमें यह बता रहे हैं कि जिनकी आमदन 50,000 रुपए उनको महाना आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये 50,000 तक की इनकम वालों के लिए बात है जनाब। आमदन 1,00,000 रुपए महाना तक अगर आपकी है तो आपको सालाना इनकम टैक्स 100 रुपए अदा करना होगा। क्या बात है। और इसके साथ साथ महाना 1,50,000 रुपए बताया। अच्छा, 1,50,000 रुपए होने की सूरत में माजी में आपको 7,500 रुपए महाना टैक्स अदा करना होता था, अब ये रकम कम होकर 3,500 रुपए महाना रह जाएगी। तकरीबन आधी पे आ गई है। आधी पे, ये तो बड़ी, मतलब मैं तो हैरान हो गई वाकई में। तो आप गौर से सुन लीजिएगा, साथ साथ महाना टैक्स अदा करते थे और अब ये रकम होकर 37,000 रुपए हो जाएगी अगर आपकी 5,25,000 रुपए अगर आपकी थी। ठीक है जनाब, इसी मजीद इसी पर बात करने के लिए, क्लैरिटी हासिल करने के लिए, बिकॉज जब से मुझे कल से बताई खबर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी इसकी डिटेल्स हासिल करने के लिए, तो हमारे साथ हमें प्रोग्राम में शामिल किया है जनाब टैक्स एक्सपर्ट अली रहीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अली रहीम साहब, प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। तो जनाब पहला सवाल आपसे है कि जनाब महाना 4,00,000 रुपए कमाने वालों पर आय टैक्स में कमी की गई है, लेकिन सवाल यह है कि 4,00,000 से ज्यादा कमाने वालों पर कितना टैक्स आयद किया गया है। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो आपका आपका जो सवाल था ना कि जी सैलरी वालों को जी पहले वो 4,00,000 रुपया के ऊपर टैक्स लगता था और अब जो है वो उसको कम कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि छोटे जो कमाने वाले लोग हैं या जो कम कमाने वाले लोग हैं उनको वो एक रिलीफ देना चाह रहे हैं, बिकॉज पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, सारी चीज़ों का दाम जारी बात है उसकी वजह से बढ़ती जा रही है, तो लिहाजा उसी की वजह से उनको रिलीफ देने के लिए जहाँ तक सैलरीज का ताल्लुक है उसको उन्होंने 12,00,000 रुपये तक का एग्जम्पशन दे दिया है, और जहाँ तक नॉन सैलरी का था जिसका 6,00,000 जिसका वो 4,00,000 था उसको उन्होंने 6,00,000 का एग्जम्पशन दे दिया है। तो 6,00,000 रुपए तक कमाने वाले, यानी ये 50,000 रुपए महीना कमाने वाले, और इस बार हम देख रहे हैं साहब के इस बार जो है हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देकर जो साथ में बोझ डाला है वो अमीरों पर डाला है, इससे ओवरऑल जो है वो क्या नतीजे निकलेंगे, कितना फर्क पड़ेगा जब हम बात करते हैं कौमी खजाने की भी उसकी भी, और साथ में जाहिर है जो लोग हैं उन हवाले से भी आपसे जानना चाहते हैं। देखिए इससे ये होगा कि कम से कम जो डायरेक्ट टैक्स का जो रेशियो है ना उसको बढ़ाने की इन्होंने कोशिश की है और बिल्कुल इसका फायदा होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको इन्हिसार करना है डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो अमीर गरीब को इकट्ठा सबके ऊपर पड़ता है, और जैसे सेल्स टैक्स है वो आप चाहे एक गरीब आदमी खरीद रहा है या अमीर आदमी खरीद रहा है सबको एक ही लेवल का टैक्स होता है, उसको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कोशिश में है कि जो बड़े लोग हैं या जो ज्यादा कमाने वाले लोग हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करें टू द सोसाइटी। राइट, राइट। इस तरीके से अमीरों पर टैक्स ज्यादा लगाया जा रहा है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक्सपर्ट अली रहीम साहब मौजूद थे, और टैक्स के हवाले से जिन जो जॉब के लोग हैं जो तनख्वाहें कमाते हैं और उनके लिए क्या टैक्स की आसानियां हुई हैं वो आपने सुना। प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ होगा। सुबह पाकिस्तान में शाजी फरमाया को दीजिए छोटे से वक्त की इजाजत। राइट बैक, जी स्टे विद अस। शुक्रिया ससुर पाकिस्तान में शाजी बरमाया आपका कर रहे थे इंतजार, और लबैक अल्लाहुम लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक इन्नल हमदा व निमता लक लक वल मुल्क ला शरीक ला अल्लाहु अकबर ला इलाहा अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला।
बस हज का सीजन जैसे ही आता है ये आवाजें, जैसे अभी हमने लबैक पढ़ा तो वो आवाजें गूंज रही थी जो मैं अभी सुनकर आई हूँ, अल्लाह ने मुझे अता किया शाज़िब, और इतना अभी पढ़ते हुए ना जैसे कि ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, और जब आप देखते हैं ना काबे पे आपकी नजर पड़ती तो आपको पता होता है कि ये बादशाही सिर्फ उस जात को जचती है, शहनशाही सिर्फ उस जात को जचती है, और ये जो फर्ज का जो आप करते हैं ना कि मैंने हज अदा करना है, सारी थकन जिस्मानी एक तरफ, जो रूहानी ताकत आपको मिलती है, मेरे सामने हजाज अकराम आना शुरू हो गए थे, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, ईद उल फितर के बाद ही हम देखते हैं तैयारियां शुरू बकायदा हो जाती हैं, लोग तैयारियां है। इवन इकदाम जो है उठाए जाना शुरू हो जाते हैं, एहतमाम हो जाता है। कोरोना के बाद भी ये पहला हज है जो इस वक्त फर्जंदान इस्लाम फरीज़ा हज अदा करने जा रहे हैं। दूसरा ने आपको ये भी बताया कि जो एहतमाम है वो भी किया जा रहा है, हाजी हजरात अपनी रवानगी की तैयारियों में लग जाते हैं ईद उल फितर के बाद, लेकिन जैसे माया बता रही है अभी गई थी और वहां देख रही थी क्योंकि आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द जो हज अदा किया जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने वहां पर नोट की और मैं चाहती हूं, बल्कि मैं यूट्यूब पे भी कर रही हूं चाहे फॉर स्पेशली खवातीन के हवाले से, कि गेट्स कौन से हैं, क्या लेकर जाना चाहिए, मस्जिद में आप क्या हाथ में रख सकते हैं, आपकी पैरासिटामोल आपके पास होनी चाहिए, एक पैरासिटामोल वहां पर बहुत महंगी है, आपको बुखार चढ़े, आपको दर्द हो, तो ये सारी चीजें आप अपने साथ जरूर रखें, वो इंशाल्लाह जरूर हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन इस साल पाकिस्तान से भी मुसलमानों का जो है फरीजा हज की अदायगी के लिए रवानगी आगाज हो चुकी है, हुकूमती सतह पर हाजियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इन इंतजाम की तफसील जानने के लिए हमने राबता किया है डायरेक्टर जनरल हज मिर्ज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम इब्रार साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने का। जी साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप उम्मीद है खैरियत से होंगी और इसी तरह पाकिस्तान में भी इस वक्त हालात अच्छे होंगे और पुरअमन होंगे, सबको मेरी तरफ से सलाम अर्ज। इब्रार साहब, वायरस के बाद पहला हज होने जा रहा है, खासतौर पर किए गए पाकिस्तानी जांच के लिए, इस वक्त जो है कोरोना हज के बाद एक समझ लें कि एक सऊदी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक हेल्थ कॉरिडोर की शक्ल एक बनाई है, आप समझ लें कि एक हेल्थ बबल है जिसमें सिर्फ वो लोग सफ़र कर रहे हैं जिनकी वैक्सीनेशन ऑलरेडी हुई हुई है या जो, और वो लोग कर रहे हैं जिनकी पीसीआर एक रिक्वायरमेंट है, पीसीआर के बगैर आप नहीं आ सकते। तो ये जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो इनमें से कोई भी कोरोना इन्फेक्टेड आदमी नहीं होता, तो इस लिहाज से कोरोना से महफूज हज इसको कहा जा सकता है। फिर यहाँ पर भी जो हमने बिल्डिंग्स में, अपने किचन्स में या अपनी अदर सर्विसेज में, ट्रांसपोर्ट में सैनिटाइजेशन का एक खसूसी फोकस है कि जी मैक्सिमम सैनिटाइजेशन की जाए ताकि कोई बंदा कोरोना से इन्फेक्ट ना हो। तो इस तरीके से एक बबल क्रिएट किया गया है जिसमें लोगों की सेहत महफूज रहे। बिल्कुल से अब्रार साहब, मैं अभी क्योंकि दो दिन हुए, बस परसों ही पहुंची हूँ खैर से, तो मैंने एक चीज़ वहां पर नोट की, मेरे सामने फ्लाइट्स आना शुरू हुई थी, पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान से फ्लाइट्स कब से आगाज हो चुकी थी ये भी बताइएगा, दूसरा ये पाकिस्तान से कितने हजाज जो हैं वो इस बार हज का फरीजा अदा कर सकेंगे, और तीसरे ये सवाल साथ साथ में बताइएगा कि अभी मैंने देखा कि वहां पर जो पाकिस्तान के अलावा जो लोग आए हुए थे वहां पर मास्क यूज नहीं कर रहे थे, जबकि लोगों को मैंने खांसते हुए जरूर देखा, तो मैंने अपनी एहतियात के लिए खुद अपना मास्क पहनना शुरू कर दिया, तो उस हवाले से भी आप लोग क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं? जी भाई, इसमें मैं पहला जो कुछ हकायके हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान से इस वक्त 81,132 हजाज ने आना है, जिनमें से 40% गवर्नमेंट स्कीम के तहत आएंगे और 60% जो है वो प्राइवेट सेक्टर की स्कीम के तहत आएंगे। तो तादाद के लिहाज से 32,453 ने गवर्नमेंट के सेक्टर के साथ आना है और प्राइवेट सेक्टर के साथ 48,679 लोगों ने आना है। हमारी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 6 जून से स्टार्ट हो गई थी और इस वक्त तक पाकिस्तान से गवर्नमेंट साइड से तकरीबन 14,000 लोग ऑलरेडी मदीना में पहुंच चुके हैं, और जो 6 की फ्लाइट थी वो मदीना से आज मक्का पहुंच जाएगी और मक्का में हमारी आज फर्स्ट अराइवल है जिसको जो तकरीबन जोर के टाइम होगी। और दूसरा सवाल आपका कि ये मास्क का जो है वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर सख्ती की जा रही है, लेकिन चूंकि तादाद ज्यादा होती है तो अक्सर लोग जो है वो उसकी वायलेशन कर लेते हैं,
और यहाँ भी उसमें यानी उस पोजीशन टू पोजीशन के ही नरमी का मुजाहरा करते हुए वो उनको कुछ कहते नहीं है, जिसकी वजह से यकीनन जो आप कह रही हैं वो ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा इब्राहिम साहब, एक तो सहूलियात की जब बात करते हैं तो सहूलियात किस किस्म की दी जा रही हैं? होटल्स में कयाम भी करना है, उन्होंने खाना भी खाना है, तो वो अरेंजमेंट्स कैसे हैं? सेकंडली, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसाइल होते हैं, उन्होंने शिकायत करनी है, कोई सवाल पूछना है, कोई उनके कंसर्न हैं, उसके लिए भी खासतौर पर कोई इकदाम उठाए गए? जहाँ तक इंतजाम का ताल्लुक है तो हमारे दो मतलब पैटर्न चल रहे हैं। एक मदीना शरीफ में हम डायरेक्टली होटल्स में जाते हैं, जबकि मक्का में हमने बिल्डिंग्स हायर करनी होती हैं। तो दोनों स्टेशंस पर इस वक्त हमारे जहाज के लिए बहुत अच्छी बिल्डिंग्स का इंतजाम किया गया है। मदीना में हमारी एक बड़ी तादाद जो है वो 5 स्टार में भी रह रही है, और 4 स्टार और 3 स्टार, और 3 स्टार से नीचे कोई बिल्डिंग मदीना में इस वक्त हमारे ऑक्यूपेशन में नहीं है। सिमिलरली मक्का में भी इस दफा हमें बहुत अच्छा मौका मिला है और हमने बहुत अच्छी बिल्डिंग्स का इंतजाम किया है, और आरम के करीब भी गए हैं 11 साल बाद। अमूमन हमारे उजाज अजीजिया में ठहरते थे, इस दफा हमने उसकी 60-40 की रेशियो से 60% को हम आरम के करीब ले गए हैं, और आरम के करीब भी हमने वो बिल्डिंग्स की हैं जो कि इंडोनेशिया और टर्की वाले अमूमन लिया करते हैं। अच्छा अच्छा, काफी दफा अभी मैंने देखे थे इब्राहिम साहब के बहुत ज्यादा होटल्स जो हैं, क्योंकि कोविड के बाद ना चाहे बहुत ज्यादा इकोनॉमी में फर्क पड़ा है और बहुत सारे होटल्स बंद नजर आए थे, तो क्या हम उम्मीद करते हैं कर सकते हैं इब्राहिम साहब के बहुत सारे होटल्स जो हैं वो लोगों के लिए खुल जाएंगे? खाने के क्या इंतजाम है, वॉशरूम वगैरह, क्योंकि जाहिर है वो रातें जो बाहर गुजारनी होती हैं खेमों में होते हैं, तो ये जो बड़ी बेसिक्स है खाना और ये वॉशरूम, इसके हवाले से क्या इंतजाम है? जी देखें जी, जो इस रमज़ान में सऊदी गवर्नमेंट ने इसको बड़ा रैपिडली ओपन अप किया था, तो मार्केट जो है आई वुड से कि 70% ओपन है इस वक्त, और होटल जो है वो फंक्शनल हैं। 30% अभी भी जो है वो तादाद कम होने की वजह से आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2019 के हज में एक बड़ी तादाद थी जिसको रिड्यूस किया गया, तो उसकी वजह से कुछ फैसिलिटीज़ अभी ओपन नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों की अच्छी कैपेसिटी थी उन्होंने वो फैसिलिटीज़ ओपन कर ली हैं। खाने का भी हमने बड़ा यानी आप 3 वक्त का और एक अच्छे मेन्यू के साथ, वो मेन्यू हम आपके साथ शेयर भी कर लेते हैं, जिसमें हर दिन में एटलीस्ट 2 दफ़ा जो है वो मीट मटेरियल दिया जा रहा है, तो वो भी हमने उसका अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। सिमिलरली जो वॉशरूम है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जी हम सऊदी हुकूमत और हम मिल के उसकी डेली सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त कर रहे हैं, और साफ़ सुथरे वॉशरूम लोगों को अवेलेबल है। मीना अरफात इसके बाद आना है, तो मीना अरफात की तैयारियां इस वक्त पूरे अरूज पर हैं, और इंशाल्लाह मीना अरफात में भी पिछले सालों से इस तरह बेहतर फैसिलिटीज होंगी। अच्छा, ये सारी फैसिलिटीज हो गई, सहूलियात हो गई, जो खास तौर पर बड़े अच्छे इकदाम उठाए गए हैं, सहूलियात बेहतर देने की कोशिश की जा रही है। साथ में सर, ये रोड टू मक्का प्रोजेक्ट क्या है, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपसे जानना चाह रहे हैं हम। रोड टू मक्का, अगर आपने आज से कोई 6 साल पहले सफ़र किया हो या 4 साल पहले सफ़र किया हो, तो हमारे हुजाज को एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन, कस्टम और इस तरह के जो दूसरे मराइल से गुजरते हुए अपनी बिल्डिंग तक पहुंचते पहुंचते उनको 12 से 14 घंटे भी लग जाते थे। रोड टू मक्का में सऊदी गवर्नमेंट के जो उमाल हैं वो पाकिस्तान चले जाते हैं, और आपका इमिग्रेशन और आपका कस्टम क्लियरेंस और अदर प्रोसेस वो पाकिस्तान में ही कम्प्लीट हो जाते हैं। तो जो एवरेज टाइम ले रही है, जो एवरेज टाइम सऊदी गवर्नमेंट आपको अब जहाज से उतरने से लेके बस तक पहुंचाने में ले रही है, वो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है। 15 से 20 मिनट में आप अपनी बस तक पहुंच जाते हैं, बाकी जो टाइम आपका जो सफ़र पर लगना है वो तो ज़रा लगना है, लेकिन वो आप समझ लें कि 8-9 घंटे का टाइम रिडक्शन एवरेज में उन्होंने किया है, जिसकी वजह से हमारे जहाज को बहुत ज़्यादा सहूलत मुयसर आई है। और हमने सऊदी गवर्नमेंट से ये गुजारिश की है कि ये सहूलत बाकी तमाम भी एयरपोर्ट्स पर दी जाए। अच्छा अब्राहिम साहब, जिस तरह ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ है मक्का टू मदीना और मदीना टू मक्का, उसने बड़ी सफर करने में आसानियां कर दी हैं, तो क्या हजाज अकराम वो फैसिलिटी भी यूज कर सकते हैं? जिस तरह आपने कहा कि आज मदीना से मक्का पहुंचे, इस तरह 2.5 घंटे में पहुंच गए थे हम लोग भी, तो जहां 4-4.5 घंटे लग जाते थे, वहां 2.5 घंटे में आप जिन्हें जोहर पड़ी और आप असर तक जो है वो पहुंच जाए, तो
तो इसमें क्या जाचक्राम के लिए आसानी होगी, ट्रेन वो यूज कर सकेंगे या जांच के लिए ट्रेन ओपन नहीं होगी? जी अब्रार भाई जी, ये उजाज के लिए ट्रेन ओपन है, लेकिन इसमें एक दो एस्पेक्ट्स बड़े समझने वाले हैं कि इंडिविजुअल मूवमेंट में आसानी होती है, लेकिन जब आप कलेक्टिव मूवमेंट करते हैं तो इसमें आपको लोडिंग अनलोडिंग सामान की लोगों को ऑर्गेनाइज करना, Agreed. और ये उसके साथ Agreed. इसकी दोनों साइड्स पे कॉस्ट है, मसलन आपकी एक ट्रेन की कॉस्ट है, फिर ट्रेन के स्टेशन तक पहुंचाने की कॉस्ट है और वहां से ले आने की कॉस्ट है, जो खासी बढ़ जाती है। इस वजह से इंडिविजुअल लोग तो जा रहे हैं ट्रेन पर, लेकिन उजाज ग्रुप्स में बहुत कम ट्रेन पर सफर करते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन थैंक यू सो मच अब्रार भाई, आप आए। मुझे बड़ा वो अफसोस हो रहा है कि मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी जबकि मैं परसों आई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के घर का दीदार अल्लाह ताला दोबारा नसीब करेगा तो जरूर आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तानी तमाम हजाज आर इन सेफ हैंड्स, ये सुन के और ये जान के जरा खुशी हुई, अल्लाह करे उनको कोई तकलीफ ना हो, अल्लाह ताला उनका हज जो है वो कबूल फरमाए और उनके लिए तमाम आसानियां, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड सऊदीया की कोलैबोरेटिव है, अल्लाह करे उसमें भी कामयाबी हासिल हो। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और इंशाल्लाह फिर आपसे हज के हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे, अल्लाह ना करे कभी किसी को कोई मुश्किल आए। और अब जिस तरह आपने कहा कि जब हज की, आपने कहा ना कि रमजान के बाद हज की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, हज से असर कुर्बानी की तरफ, ईद कुर्बान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ईद कुर्बान की तैयारियों के साथ साथ हमने बहुत सारे सेगमेंट्स किए हैं इस हवाले से कि सिंध में लंपी स्किन जो है वो वबा एक बार फिर सर उठा रही है, और इस हवाले से अब हम ज्यादा कंसर्न इसलिए हैं क्योंकि अब मंडियां लग रही हैं, बल्कि लग चुकी हैं, और ईद कुर्बान वक्त करीब आते जा रही है। कराची की मंडियों में बीमार और मुतासर जो जानवर हैं वो लाने का इंकशाफ भी हुआ है, जो कि लंपी स्किन डिजीज से ऑलरेडी मुतासर हैं और उनको मंडी में लाया जा रहा है। ये तो गलत बात है, बिल्कुल। अब लंपी स्किन से मुतासर जानवरों से भरे जो ट्रक हैं वो भी कोशिश की जा रही है कि उनको वहीं से चेक करके वापस भेजा जाए ताकि वो मंडी में ना आ सके। लेकिन ये तो देखो ना, आप ऑलरेडी जब से लंपी डिजीज का हुआ है लोग खौफजदा तो है ना कुर्बान को लेकर, और अब शहरी ज्यादा जो है वो कंसर्न इस बारे में भी है कि जब हम खरीदने जाए तो कैसे पता लगेगा कि कौन सी जो आपका जानवर है कौन सा वाला वो लंपी स्किन डिजीज से मुतासर है, तो इसमें कैसे एहतियात की जाए, उनके लिए मशवरा क्या है, जब वो जानवर खरीदने जाए तो उनको क्या करना है, क्या चेक करना है, ये तमाम चीजें आप लोगों के लिए कि जब आप लोग मंडी जाएं जानवर खरीदने के लिए तो आप लोगों को पहले से क्या तैयारी करनी है, True. इस बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान मवेशी मंडी, उनसे हम ये सवाल करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए खैरियत से हैं? जी अलग सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त मंडी में क्या सूरत हाल है, अब तक ये बताइएगा सबसे पहले तो कि जो अंदाजे तक आपके मवेशी कितने आ चुके हैं अब तक मंडी में? अब तक इस वक्त तक जब से मंडी स्टार्ट हुई है जानवर आए हैं 50,000 के करीब तकरीबन जानवर मंडी में आ चुके हैं, और सूरत हाल ये है कि मंडी में दाखिले का एक ही रास्ता है होता है जहाँ पे चेक पोस्ट होती है, और वहाँ पे डॉक्टरों की टीम होती है और उन तमाम जानवरों को ट्रॉलर और ट्रक के अंदर ही चेक किया जाता है, और ऐसा नहीं होता कि बगैर चेक किए कि कोई एक भी जानवर जो है वो मंडी के अंदर चला जाए। अच्छा, तो अगर अभी इस तरीके से ये हो रहा है तो इन चीज़ों में कितनी सदाकत है कि बीमार और मुतासर जानवर मंडी लाए गए थे, इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, इसमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टरों की वेटरनरी डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है हमारे मार्शलिंग एरिया कहलाता है जहाँ पर ये ट्रालर जहाँ से दाखिल होते हैं मंडी में, और वो एक ही रास्ता है, वहाँ पे डॉक्टरों की टीम ट्रक के अंदर जाके ट्रक के बाहर से और चारों तरफ से फिजिकली चेक करती है एक एक जानवर को। 27 मई से अच्छा। अब तक 9 ऐसे ट्रॉलर हमने यहाँ से वापस किए हैं जिनमें एक किसी भी जानवर में अलामत जाहिर हुई थी कि लिम्पी स्किन की है, तो हमने उस जानवर समेत उस ट्रक में जितने भी जानवर थे उन तमाम जानवरों को वापस कर दिया, और अब तक 9 ट्रॉलर ऐसे वापस भेजे जा चुके हैं, और इसमें अच्छा, कोई सदाकत नहीं है कि कोई लिम्पी से मुतासर कोई जानवर मंडी में मौजूद है। ट्रॉलर्स में जितने भी जानवर हों वो तो व्यापारी के ऊपर होता है कि कोई 100 आ रहा है उसके अंदर कोई किसी के 50 है, उसकी कोई गिनती नहीं होती, लेकिन जो हर ट्रॉलर में एक जानवर में किसी में ऐसी अलामत जाहिर हुई थी तो उसके बाद तमाम जानवरों को उस ट्रॉलर को तमाम जानवरों समेत वापस भेज दिया गया। ये भी नहीं कि ऐसा भी नहीं हुआ कि उसको सिर्फ मुतासरा जानवर को वापस भेजा गया और बाकियों को अंदर छोड़ दिया गया,
ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा सर, अली साहब यहाँ पर जो हम इंकशाफात की बातें कर रहे हैं ना, वो ये हो रही हैं, लोग मुख्तलिफ वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मंडी जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और लोग ये बता रहे हैं कि बहुत से जानवर ऐसे हैं जो अगर लंपी स्किन डिजीज का शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं, वो सेहतयाब होने के बाद जो है वो मंडी में लाए जा रहे हैं। तो पहले तो ये बताइएगा कि ऐसे जानवर मंडी में मौजूद हैं जो कि सेहतयाब हो चुके हैं लंपी स्किन से, उनको लाया गया है? नहीं, इस तरह के कोई भी जानवर नहीं है, क्योंकि जो व्यापारी आते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि वो एक कोई जानवर सिर्फ इस उसमें ले आए कि चलो इतने जानवरों में एक जानवर निकल जाए, क्योंकि वो यहाँ कारोबार करने आ रहे हैं, अपने जानवर बेचने आ रहे हैं, कोई अपना नुकसान नहीं करता। वो वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आते हैं, जहाँ से आते हैं जिस डेस्टिनेशन से, उसके बाद यहाँ पे उन तमाम जानवरों को चेक करके उनको एक और सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाता है उसके सेहतमंद होने का, उसके बाद उनको अंदर छोड़ा जाता है। और अंदर कोई ऐसा जानवर इस वक्त मौजूद नहीं है कि जिसको जो बीमारी हो या उसको लंपी स्किन से कोई वो मुतासिर हो जानवर। अच्छा, तो जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौसम की हमने अपडेट ली अली भाई कि जब ईद कुर्बान आएगी तो बारिश और उसका सिलसिला जो है वो हो जाएगा, होपफुली मॉनसून का सीजन होगा, तो उस जमाने में जानवरों का जाहिर कुर्बानी का भी वक्त होता है, फिर जानवर भी होते हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई इंतजाम किए हैं? जी जी, मंडी में बारिश से मुतालिक जाहिर बात है हर साल ही तकरीबन बारिश का सीजन होता है जब बकरीद आती है, और इस हवाले से तमाम इंतजाम यहाँ मुकम्मल हैं, पंपिंग मशीनें जो हैं वो तैयार हैं बिल्कुल, कि अगर पानी जैसे ही जमा होना शुरू होगा उसको निकासी का फौरन इंतजाम किया जाएगा। मंडी के अतराफ में जितने भी नाले हैं उनकी सफाइयाँ कराई जा चुकी हैं, जितना भी अमला है वो बिल्कुल रेडी है, ट्रैक्टर्स ट्रालर्स ट्रक जो भी हैं जिसमें मलबा या मट्टी कीचड़ वगैरह उठाई जाएगी वो हर चीज बिल्कुल तैयार है, तो और हर तरह के हालात तैयार है बारिश के हवाले से। दो बातें मुझे आप बताइएगा अली साहब जरूर, कि एक तो जो शहरी आ रहे हैं खरीदारी के लिए आ रहे हैं, वो उनके लिए क्या हिदायत है खासतौर पर जब वो आए, तो खासतौर पर सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि पार्किंग की जगह वहां पर मुख्तस होती है, वहां पर भी कुछ चोरी के वाकयात हो जाते हैं, डकैती के वाकयात भी हो जाते हैं, मुख्तलिफ जानवर छीन लिए जाते हैं, छीना झपटी के वाकयात हो जाते हैं, तो क्या सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा गया है, कैमरे नस्ब किए गए हैं, कोई जगह मुख्तस की गई है पार्किंग के लिए भी खासतौर पर? जब मंडी में आने वालों के लिए 30 एकड़ राजी पर पार्किंग बनाई गई है, जहाँ पे मोटरसाइकिल और गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम है, और इस दफ़ा वो 4 दीवारी के अंदर है पार्किंग, कोई खुले ओपन एरिया में नहीं है, और 3 लेयर्स में यहाँ सिक्योरिटी होती है, अंदर इंटरनल सिक्योरिटी इंतजामिया की अपनी है, उसके बाद पुलिस की लेयर होती है, और मंडी के बाहर जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के एहलकार हैं वो ड्यूटी देते हैं। अभी तक ऐसा कोई वाकया यहाँ पर कोर्ट नहीं हुआ जिसमें कोई जानवर छीने जाने की कोई वारदात सामने हुई, एक वाकया चोरी का हुआ था शुरू में, उस पर भी मंडी इंतजामिया ने और सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान भी पकड़े थे, और वो जानवर भी बाजियाब करा के वापस वो मंडी पहुंच गया था यहाँ पे। तो इस तरह का कोई ऐसा वाक्य नहीं, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम आते, 100 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं पूरी मंडी को। 100 से ज्यादा? अच्छा अच्छा अली, आप क्योंकि ये हमारा जो शो है सोशल मीडिया पे भी जाता है, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस लोग शेयर कर रहे हैं कि देखें जी ये लंपी डिजीज वाली मंडी में है, मतलब बेसिकली हमारी मंडी को जो है ना नेगेटिव पब्लिसिटी दी जा रही है, तो आप उस हवाले से उस प्लेटफॉर्म के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो नेगेटिव खबरें फैला रहे हैं? हमारा उनके लिए यही पैगाम है, और उनको हमने यहाँ पे हिदायत भी यही है सोशल मीडिया के जो व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स आते हैं हमने, कि भाई यहाँ लाइव सेशन करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी को, और जो आता है यहाँ पे वो हमारे पास आता है, हमसे इजाज़त लेता है, हम उसकी यहाँ बाकायदा एंट्री करते हैं, और उसको हम बताते हैं कि आपने किस तरह से करना है, इमेज बिल्डिंग करनी है मंडी की, और अगर कोई किस तरह की गलत खबर चला रहा होता है तो हम उसको बुला के उसको समझाते हैं और उसको बताते हैं कि भाई इस तरह की सूरत हाल, उसको क्लियर कर देते हैं, सारी सूरत हाल वाजे करते हैं बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है नेगेटिव पब्लिसिटी को भी और जो रूमर्स थी उनको भी आपने जो है वो क्लियर कर दिया, और ये भी बताया साथ साथ कि हम पहले चेक होता है और फिर वहीं से वो जो ट्रक होता है गाड़ी होती है वापस हो जाती है, वो मंडी आता ही नहीं है। आप बेफिक्र होकर जाएं और अपने जानवर खरीदें जो आप खरीदना चाहते हैं, थोड़ी सी एहतियात खुद भी किया करें, लेकिन जाहिर है जो इंतजाम किए जा रहे हैं वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में शहरी आते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, दिल भी चाहता है बच्चों के, देखिए छुट्टियां शुरू हो गई हैं, सब लोग शौक से जाते हैं, तो प्लीज ख्याल करें, और हाँ प्लीज मास्क पहने, आप मास्क पहने और साथ रहें, मैं जानवर
इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजीब अहमद के साथ। ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे एक पाकिस्तान की पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए फाइटर अनीता करीम का जिक्र करेंगे, जो कि सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस बहुत वायरल भी हो रही हैं, लोग बहुत सराह रहे हैं, उनको कंग्रेचुलेट भी कह रहे हैं। क्यों ना कहें, क्योंकि अनीता करीम का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से और वो एक बेहतरीन मुकाबले में जीत कर आई। उन्होंने मतलब कमाल कर दिया है, जिस तरीके से उनका आखिर में उन्होंने अपने धूल चटा दी, कहते हैं धूल चटा दी, जो अपना मतलब हिट्स किए उन्होंने, कहा 1-1-1-1-2-1-2 और उन्होंने मतलब कमाल, मतलब वीडियो कमाल है, सीरियसली अनीता छा गई है भाई, सुपर फैन, सुपर फैन, हम तो फैन हो गए। अगली फाइट जो है वो अनीता करीम और माया खान के दरमियान होने जा रही है, उसके बारे में जल्द आपको बताएंगे। लेकिन अनीता करीम साहब की मुलाकात भी करवाते हैं। अनीता, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं कि बड़ा खतरनाक खेल है ये, और इसमें खवातीन को बहुत कम हम देखते हैं कि वो इस हद तक जाएं या इतने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें। आपको एमएमए फाइटर बनने का शौक कैसे हुआ था? फिर ये तो पाकिस्तान में खवातीन ने अपने लिए एक आसान तरीका चुना है कि हम नहीं कर सकते, तो पूरे दुनिया में लड़कियां इसमें आगे बढ़ रही थी, तो मेरा भी एक यही शौक था बचपन से कि मैं भी अपने भाइयों की तरह, जैसे मेरे तीनों भाई अली सुल्तान, एहतिशाम और उर्मी करीम ट्रेनिंग करते थे शुरू से, तो मेरा भी यही था कि मैं भी अपने भाइयों की तरफ पीछे जाऊं। लेकिन ज्यादातर मुझे यही कहते थे कि खवातीन ये काम नहीं कर सकते, खवातीन अच्छा खेल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते। तो ये शुरू से मेरे अंदर एक चीज थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ जो लड़कियां नहीं करती, तो बचपन से था कि कुछ करना है, शुरू से था जब भी, तो आज आपने साबित कर दिया। आप देखें ना, सामने ऑस्ट्रेलियन हरीफ था आपके सामने, और हमने देखा कि एक के बाद दूसरा पंच जिस तरीके से आपने बरसाए हैं, मतलब देख के भी अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन स्टेडियम में फाइट की, ये कितना बड़ा एजाज है आपके लिए? ये तो हर किसी को थोड़ी सी, हर कोई फाइटर हो या जो भी एथलीट हो, किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी थोड़ी पहले नर्वस हो जाते हैं सारे, तो ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ा सा मैं थोड़ी नर्वस थी, प्रेशर था फाइट के लिहाज से भी। बाकी है कि जब रिंग में उतरते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं, सामने फिर थोड़ा सा फोकस होता है कि कहीं आगे वाला मुक्का मार के हमें ना गिराए। अनीता, इसके साथ साथ आपका जो शुमार है वो दुनिया के चंद खवातीन में हो रहा है जिन्होंने ये मशहूर स्टेडियम में फाइट किया, ये कितना बड़ा एजाज है आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, टोटल मेरे 5 इंटरनेशनली फाइट्स हुए हैं जिसमें मेरे 3 विंस हैं। अच्छा अच्छा, ये जरूर बताइएगा कि आपकी जो फिटनेस है, जाहिर है उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और जो फाइट्स हैं उसकी कामयाबी भी आपने हासिल की है, तो ये कितनी फिटनेस में टाइम लगता है, फिटनेस कैसे आप मेंटेन करती हैं अपनी? आपका दिल और दिमाग और दिल से होता है। बाकी यस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी दिलचस्पी कितनी है, और आप अपने गेम के साथ, अपने फील्ड के साथ कितने ऑनेस्टली आप अपने ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, कितना टाइम देते हैं, ये डिपेंड करता है। और फिटनेस का ख्याल रखने के लिए माया, जो खाना है ना, खाना पीना वो बड़ा महदूद करना पड़ता है, बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है। मुझे क्यों देख के कह रहा है, खाने पीने की बात कर रहा है, लेकिन आपके साथ भी क्या ऐसा ही है? फाइट से पहले 2-3 महीने पहले हम सारी चीजें खा सकते हैं, मतलब 2-2 महीने पहले जब फाइट हमारी डिसाइड होती है, जिस टाइम हमारी फाइट डिसाइड होती है और हमारा जब फाइट कैंप चलता है, वो महीने का हो, 1.5 महीने का हो या 2 महीने का हो, तो हमें थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है, और जब 1 महीना पूरा होता मतलब रहता है फाइट के लिए, तो स्ट्रिक्टली हमें अपने डाइट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, ज्यादा ऑयली चीजें हो गए, मीठा वगैरह, जो कि मुझे बहुत मीठा पसंद है, तो वो मेरे लिए थोड़ा मसला करता है कि अनीता, मैं मीठा नहीं। ये जरूर बताइएगा, आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से और हम सबकी बड़ी फेवरेट जगह है, जब आप ये एजाज आपने हासिल किया, ये फाइट जीती, तो आपके अपने घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, आपकी जो वहाँ की पूरी कम्युनिटी है, उनका रिस्पॉन्स कैसा था? यहाँ पर थाईलैंड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एज अ फर्स्ट फीमेल इंटरनेशनल, ओनली इंटरनेशनल फीमेल फाइटर बनने की वजह, मतलब मेरे पाकिस्तान के लोग, मेरे गिलगित के, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जो सपोर्ट है,
वो एक तरफ से मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन है। उनकी वजह से कितनी खुश है। वाइफ के पास सबसे पहले कॉल किसको करती हैं, किसको किया? जी सबसे पहले मैं फाइट, चाहे मैं जीतूं या हार, मेरी सबसे पहली जो कॉल होती है मेरे घर वालों को होती है, मेरी अम्मी को कॉल होती है, तो सारे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अभी तक लोग मुझे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुआएं दे रहे हैं। लेकिन देखिए सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सब आपका इंतजार भी कर रहे हैं, आप गिलगित वापस कब आ रही है? हम भी आ जाए तो नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंची हूँ। कोविड का मसला हुआ था, तो कोविड के बाद बहुत मुश्किल से हमें वीजा मिला है, तो नो आइडिया कि मैं कब पाकिस्तान जाऊँ। और ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट स्पोर्ट है ये, और कभी ऐसी इंजरीज तो होती हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी इंजरी जिससे कहा हो कि बस मतलब अब नहीं, अब मैं ये छोड़ दूंगी, ये बड़ा डिफिकल्ट है। हमें मैदान में उतरने के बाद ये चीजें नहीं सोच आती। हाँ ट्रेनिंग के टाइम ज्यादा प्रेशर होता है, फाइट हमारे लिए इजी होता है, उससे ज्यादा मुश्किल हमारी ट्रेनिंग होती है। सुबह दिन को शाम को हमारी ट्रेनिंग होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं फाइट कैंप के टाइम, तो वहाँ ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा थकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये सोचे तो कैसे आगे जाए। ये तो फाइट हो गई है, लेकिन फ्यूचर में क्या होने जा रहा है? फ्यूचर गोल्स आपके क्या है? क्या फ्यूचर गोल्स सेट किए हैं आपने मुस्तकबिल के लिए? वर्ल्ड चैंपियन बनना, बट अकेले नहीं, पाकिस्तान से और भी खवातीन मेरे साथ हो, जो सब अपने कंधे पे बेल्ट लेके शाना बशाना खड़े हो जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपको देखकर। मेरा ख्याल है आई एम वेरी वेरी श्योर बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर भी हुई होंगी और उनकी भी हिम्मत बंधेगी, भाई जब अनीता करीम कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और बहुत सारी दुआएं एंड बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और अब जरा वो बात हो जाए जिसके बगैर मेरी जिंदगी, शाहजेब की जिंदगी, हम सबकी जिंदगी अधूरी है। बिल्कुल हम मतलब उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं? मैं इसके अंदर जो होता है उसकी बात कर रही हूँ। तो एक हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर जो चाय है वो एक घूंट लेते हैं, छोटा सा वक्फा लेते हैं, रहिएगा हमारे साथ। चाय के बारे में क्या बात करने वाले हैं जरूर रहिएगा। चाय की चुस्की लगाएं, चाय की चुस्की लगाएं। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी चाय का, क्योंकि चाय पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पी जाती है, इतनी ज्यादा पी जाती है कि पाकिस्तानियों ने सिर्फ एक साल में 83 अरब रुपए की चाय पी ली। भाई हमारे घर में तो चाय पूछना भी अल्फाज का ज़िया है। कोई कहता है पूछने की जरूरत क्या है, गरम गरम बना के ले आओ। सीरियसली चाय तो चाय है। तो चाय हर गली मोहल्ले में, गर्मी हो सर्दी हो, मौसम जैसा मर्जी हो, शाम में सुबह में और हम इवन रात में भी लोग अक्सर चाय पीते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तानियों का शौक है, चाहे आपने बातें करनी हो, टाइम पास करना हो, मूवी देखनी हो, चाय हमारे साथ साथ चलती रहती है। बस चाय इस चाय। सर में दर्द है तब भी चाय पी लें, खुश है तब भी चाय पी लें, किसी को चुप कराना है तब भी चाय ले पी लें, मेहमान नवाजी करनी तब भी चाय पी लें। हाँ, तो आप पंजाब में जाए ना, आप कहते हैं यहाँ चाय पीनी है, तो वो जब चाय जो होती है ना, चाय इज लव, यानी चाय इज चाय, तो चाय के बगैर जिंदगी जो है अधूरी है। लेकिन अगर हम बात करें शाहजेब, आपने बताया ना फिगर्स, हमने कितनी चाय पी ली है? बिल्कुल, और गुजश्ता साल की नस्बत 2021-22 में 13 अरब की ज्यादा चाय मंगवाई गई, यानी कि पिछले साल ज्यादा चाय पी गई है। क्या वजूहत है कि चाय बढ़ती जा रही है, चाय का पीना बढ़ता जा रहा है, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगी डॉक्टर साहिबा भी, लेकिन उससे पहले लोग क्या कहते हैं ये राय आपको दिखाते हैं चाय के बारे में। अब देखिए कुछ भी हो जाए चाय नहीं छोड़ी जाती, लेकिन एक बात भी नजर आई ना कि देखो महंगा हो गया कप पैसे। पहले जो 10 रुपए का 15 रुपए का मिल जाता था, वो 40-50 रुपए का एक कप चाय आपको मिलती है बाजार से, जिसकी आमदनी कम है, जो मजदूर तबका है उनके लिए वाकई चाय खरीदना मुश्किल हो गया। इसीलिए वो बेचारे कह रहे हैं कि हमने 5 कप से 3 कप कर दिए, 2 कप कर दिए, किसी ने 1 कप कर दिए, किसी ने नाश्ते। लेकिन वो वाली बात भी सच है ना कि बहुत फायदा तो नहीं है ना चाय पीने का, नुकसान तो होता है। जान लेते हैं, किससे जानेंगे हम ये? यार देखिए वो जो है ना, उनको अगर मैं देखू नहीं ना तो मजा नहीं आता, और मैं मजा नहीं आएगा अगर मैं उनको देखूंगी नहीं सुबह सुबह। लेकिन उनकी आवाज ही माशाल्लाह इतनी चहकती हुई है, और हमारी बड़ी प्यारी है वो, हमें हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सहर चावला मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सहर जावेद चावला साहब, कैसी हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आई एम सो सॉरी, पार्डन मी, आज मैं आपको भी नहीं देख पा रही हूँ और अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पा रही हूँ, मेरा दिन भी अच्छा हो जाता है। हम नहीं खेल रहे भाई, ये क्या बात है, हमें आप नजर आती है सुबह सुबह माशाल्लाह एक फ्रेश चाय के साथ। डॉक्टर साहब जरा पाकिस्तानियों के लिए कुछ बताएं कि ये जो बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं, इसका कितना नुकसान है, कितना फायदा है?
अच्छा ऑनेस्टली जो हम चाय पीते हैं देसी चाय, मैंने इस पर पिछले दिनों एक पॉडकास्ट भी किया था, वो बेसिकली चाय है ही नहीं, चाय आप ब्लैक टी को कहते हैं। और चाय के जो हेल्थ बेनिफिट्स है उस पर जो रिसर्च हुई है वो फेमसली अपने पॉलीफिनॉल्स की वजह से हुई है। पॉलीफिनॉल्स जो है आपके पास वही है जो चाय के डिजीज फाइटिंग केमिकल्स है, कैंसर के अगेंस्ट हो, हार्ट डिजीज के अगेंस्ट हो, ऑस्टियोपोरोसिस के अगेंस्ट हो, डायबिटीज के अगेंस्ट हो। जब आप उसमें दूध डालते हैं जो दूध का प्रोटीन है केजीन, वो उन पॉलीफिनॉल्स की तासीर को कम करता है। अगेन चाय में आपके पास कैफीन होता है, डेफिनेटली कॉफी से तो कम होता है, इससे वो वाला कैफीन अच्छे वाला कैफीन है, लेकिन इसका ओवर कंजम्पशन जो है वो आपको जरूरत से ज्यादा कैफीन हिट देता है। अच्छी चीज है कैफीन, प्री वर्कआउट प्रोटोकॉल में भी आपके पास आता है, आपकी अटेंटिवनेस, अलर्टनेस, आपका प्लेजर हार्मोन, डोपामीन बढ़ाता है, गैबा ग्लूटामेट, ये सारी चीजें आपके पास बढ़ाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत खराब ट्रेंड ये है कि हम अपना दिन खत्म करने के बाद चाय पीते हैं, 5-6 बजे के बाद, जब हम, और जरूरत भी नहीं है। देखिए ना, आप ओवर कंजम्पशन भी कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त चीज है अगर आप ब्लैक टी लें और अप टू 75 मिलीग्राम पर डे दिन में 2 बार लें, बहुत खूबसूरत चीज है। लेकिन जब आप शाम के बाद लेंगे, उसके बाद आप अपने आप को सोने में मुश्किल कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम कर रहे हैं, फिर आपके इंसुलिन हिट होता है, स्ट्रेस हार्मोन हिट होता है, फिर ये होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है इसके अटेंशन अटेंटिवनेस प्रोवोक करने वाले असरात पर। आप अब ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, लेकिन आपके ये एड्रीनल्स को तो स्ट्रेस करती है, आपके जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। इवन खाली पेट चाय बहुत पी जाती है, बैटरी की बहुत आदत होती है डॉक्टर साहब लोगों को, तो क्या खाली पेट भी लेना अच्छी बात नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और थोड़ा देर लगता है आप इसको, इस डिस्कम्फर्ट से जान छुड़ाने में खाली पेट, पहले मुझे भी आदत होती थी खाली पेट, प्लीज कोई ऐसी चीज में जो आपका स्टमक का पीएच, आपका पीएच अल्कलाइन करे, नींबू पानी में, नींबू इज द मोस्ट अल्कलाइन फूड ऑन प्लैनेट। लेकिन चाय आप खाली पेट ना ले, उसके थोड़े 1-2 घंटे बाद चाय का पीएच ऑलरेडी एसिडिक होता है, और आप जब सुबह उठते हैं ना, क्योंकि खाना डाइजेस्ट हो गया होता है, स्टमक में तेजाब ज्यादा बन रहा होता है, ऑलरेडी एसिडिटी हो रही होती है, दैट इज टू मच ऑफ दी एसिडिटी। आई डोंट थिंक ये करना चाहिए। बट डॉक्टर साहब ये मिथ्स है ना कि यार नींद आ रही है चाय दे दो, अच्छा थकन हो रही है चाय दे दो, सर में दर्द हो रहा है चाय दे दो, बुखार हो रहा है चाय दे दो, ये जो मिथ्स जुड़ी हुई हैं क्या इनमें कोई सदाकत है या ये वाकई एडिक्शन है? बिल्कुल सच्चाई है, चाय आपके पास एडिक्शन है, इसको एडिक्शन आप कहते हैं मेडिसिन में फिजिकल डिपेंडेंस को, चाय साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, सिगरेट और चाय को हम एडिक्शन की मेडिकल डेफिनेशन में नहीं वो एम्प्लीफाई करते, लेकिन डिपेंडेंस जरूर है आपके जिस्म की बॉडी पे, डेफिनेटली आपके दिमाग में रात तक एक केमिकल एडिनोसिन का बिल्डअप होना शुरू हो जाता है जो आपकी नींद करना शुरू कर देता है। चाय एडिनोसिन को ब्लॉक करती है, तो डेफिनेटली वो आपकी अलर्टनेस इंप्रूव करती है। फिर इट इज अ हॉट ड्रिंक, अच्छा इट आयुर्वेदा की मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ, चाय इज गुड फॉर एन ऑयली बॉडी, फॉर अ ड्राई बॉडी चाय इज नॉट। अच्छा, बिकॉज वाटर आपका जो है वो कंज्यूम कर लेता है। एब्सोल्युटली, पैरासिम्पैथोमैटिक डायरेटिक है, बार बार यू नीड टू गो टू द लू, और आपको ये डिहाइड्रेट भी करता है। सो आई आई डोंट रिकमेंड चाय टू पीपल हु यू नो हु हैव अ ड्राई बॉडी एंड हु ऑलरेडी हैव दिस इश्यूज। अदर देन दैट डेफिनेटली आपकी अलर्टनेस इंप्रूव करता है। फीवर फ्लू के लिए अगर आप हर्बल टी बनाते हैं, अब अगर आप दूध पत्ती के, तो खैर मैं गेस्ट हूँ, तो वैसे चाय की इतनी इकसाम आ गई है, कहीं पे हमें कोई अदरक वाली चाय, मैं यही पूछना चाह रही थी चादर कि अदरक और ये डालना इलायची या मसाला चाय, क्या ये सही है चाय में डालना? प्लीज ये बता जल्दी से। बिल्कुल डालना चाहिए हर्बल टी, अगर आपको डाइजेशन का इश्यू है और आपकी बॉडी को वो एसिडिटी नहीं है, तो आप अदरक को इस्तेमाल करें, आप पुदीने को इस्तेमाल करें, ठंडी तासीर अगर आप चाहते हैं, आप सौंफ और इलायची को अपना रेगुलर रखें चाय में। बिल्कुल ठीक, आप ये स्पाइसेस यूज करते हैं ना जी। एंड यू नो वी रियली मिस सीइंग यू, बट यू आर ब्यूटीफुल एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात करे। शाहजेब, मैं और शाहजेब कल तक के लिए इजाजत लेते हैं आपसे, तो आप रहिएगा हमारे साथ कल भी। तो सर पाकिस्तान में आज से इतना ही, कल होगी मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।